स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और इस वीडियो लेक्चर में आज हम करेंगे चैप्टर 10 की थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.1 स्टूडेंट्स, मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो 10.2 की स्टेटमेंट क्या कहती है कि इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की कोर्ड्स एंगल बना रही हैं, कहाँ? एट द सेंटर। किसका सेंटर? सर्कल का। एक सर्कल की कोर्ड्स हैं, यानी एक से ज़्यादा कोर्ड्स हैं और वो सेंटर पर एंगल बना रही हैं। एंड इफ दोज एंगल्स आर इक्वल, देन वी हैव टू प्रूव दैट द कोर्ड्स आर आल्सो इक्वल। अभी देखिए, इन्होंने कोर्ड्स बोला है, लेकिन कितनी कोर्ड्स बोला है ये मेंशन नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें एटलीस्ट 2 कोर्ड्स लेनी होंगी। तो आपको मैंने बताया था कि कैसे हम थ्योरम को प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को अच्छे से 2 times 3 times रीड करेंगे, देन वी विल ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ द कंसर्न स्टेटमेंट। उसके बाद हमें क्या गिवन है स्टेटमेंट में, उसे हम एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि वी आर गिवन ए सर्कल विद, देखिए सर्कल का सेंटर, रेडियस सब हमने खुद डिफाइन करना है। ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर इज गीवन। क्लियर भाई? ये ओ तो इसका सेंटर है और इसका रेडियस आर है। एक तो हमें ये सर्कल गीवन है और इस सर्कल में क्या गीवन है, इस लाइन को फिर से पढ़ें, एंगल्स सबटेंडेड बाय द कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल। तो एक सर्कल की कोई 2 कोर्ड है, मान लिया कि ए बी एक कोर्ड है और भाई सी डी एक दूसरी कोर्ड है हमारी। क्लियर? और ये 2 कोर्ड्स सेंटर पर जो एंगल बना रही हैं वो इक्वल हैं, इज गिवन। ठीक है, पहले लिखेंगे ए बी एंड सी डी आर 2 कोर्ड्स। इक्वल नहीं है ये कोर्ड्स, हमें नहीं पता इक्वल हैं या नहीं है, हमें सिर्फ ये पता है कि ए बी एंड सी डी आर 2 कोर्ड्स ऑफ सर्कल सच दैट एंगल ए ओ बी, देखिए ये कोर्ड है और कोर्ड सेंटर पर जो एंगल बनाएगी तो वो यहाँ से ये 2 स्ट्रेट लाइन जाएंगी और ये अपना एंगल ए ओ बी बनेगा। एंड सी को ओ से ज्वाइन करेंगे और डी को ओ से ज्वाइन करेंगे तो ये अपना एंगल सी ओ डी बनेगा। तो हमें क्या कहा गया है स्टेटमेंट में कि दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द कोर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल। इस बारे में हम श्योर हैं कि जो एंगल है वो इक्वल है, यानी एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी के श्योरली इक्वल है। कोर्ड्स की कोई गारंटी नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पुट होता है कि देन द कोर्ड्स आर इक्वल, देन मीन्स ये चीज हमने शो करनी है कि जो सर्कल की कोर्ड्स हैं वो दोनों इक्वल हैं। टू प्रूव, हमने क्या प्रूव करना है कि ए बी कोर्ड की लेंथ सी डी कोर्ड के इक्वल है। तो हम डायरेक्ट अब इसका प्रूफ लेते हैं। लास्ट थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि प्रूव करने के लिए हमें मेन कॉन्ग्रुएंसी ही लेनी है, जिसके मैंने आपको 4 रूल बताए थे और मैंने उसमें राइट भी किए थे वो चारों रूल्स। SSS, मैं एक बार फिर से मेंशन कर रही हूँ, SAS, ASA एंड RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये 4 रूल हमारे हैं, ये देखिए SSS, SAS, ASA एंड RHS। इनका क्या मतलब है कि 2 ट्रायंगल के अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मैच करते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। आप एक बार क्वेश्चन को फिर समझिए कि हमें ये 2 कोर्ड्स दे रखी हैं जिनकी लेंथ हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और हमने ये दिखाना है कि ए बी सी डी के इक्वल है। देखिए, हम ए बी और सी डी को बच्चे में मेजर तो कर नहीं सकते, माप तो सकते नहीं, तो बच क्या जाता है हमारे पास, 2 ट्रायंगल बच जाते हैं। तो इन द ट्रायंगल ए ओ बी एंड द ट्रायंगल सी ओ डी, हम ऐसे 3 पार्ट्स ढूंढते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है कि इक्वल है। इन दोनों ट्रायंगल्स के ये 2 एंगल्स वी ऑलरेडी नो दैट दीज आर इक्वल। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी बिकॉज इट इज गिवन टू अस। ऑल्सो अब ये देखिए कि लेंथ ओ ए और ओ सी इक्वल हैं। ओ ए भी इसी सर्कल का रेडियस है और ओ सी भी इसी सर्कल का रेडियस है, तो हम लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि दोनों की लेंथ आर के इक्वल है।
सेम ओबी की लेंथ किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ओडी के, क्योंकि ओबी भी रेडियस है और ओडी भी। इस सर्कल की ये दोनों साइड्स इन दोनों साइड्स के इक्वल आ गई ट्रायंगल की, और इस ट्रायंगल का ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, तो दोनों ट्रायंगल्स की दो साइड और एक एंगल सेम हो गया, तो हम लिखेंगे बाय एस ए एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। हमने क्या सीखा था अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि दो टू ट्रायंगल्स में थ्री कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि दोज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मींस वो दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा कवर करेंगे, बिल्कुल एक दूसरे के हर तरह से इक्वल हैं, एवरी साइड एवरी एंगल इज इक्वल। तो बाय एस एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल सी ओ डी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैंने आपको बताया था कि जब तीन पार्ट्स, छह पार्ट्स हैं ट्रायंगल के, तीन साइड तीन एंगल, किन्हीं तीन को इक्वल करने से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, और कॉन्ग्रुएंट हो जाने से अदर पार्ट्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोड ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोड सी डी, बिकॉज सी पी सी टी, सी पी सी टी मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि ए बी की लेंथ जो है सी डी के इक्वल है, तो हम इसे मेजर तो कर नहीं सकते थे, तो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी से हमने प्रूव किया इसको। एंड दिस रिजल्ट इज टोटली वाइस वर्सा ऑफ थ्योरम 10.1। तो 10.1 में क्या था कि वी वर गिवन दैट कोड्स आर इक्वल एंड वी हैव टू शो दैट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ क्या गिवन है कि एंगल्स इक्वल हैं और आपने कोड्स को इक्वल शो करना है। तो ये तो थी स्टूडेंट्स आपकी थ्योरम 10.2, और इनको यूज़ कैसे करना है ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कभी न्यूमेरिकली आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है। सपोज कर लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि दिस इज ए बी, इट्स लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज सी डी, इट्स लेंथ इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, एंड दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। और अब आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ये एंगल का मेजरमेंट कितना है, तो विदाउट मेजरिंग यू कैन शो दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन ऑब्वियसली एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी यूजिंग दीज रिजल्ट थ्योरम 10.1 एंड 10.2, ये हो जाएगा 60 डिग्री। और इसका वाइस वर्सा हो सकता है कि आपको दोनों एंगल्स नोन हैं, एक कोड नोन और ये कोड आपने बतानी है, तो ये भी कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये थी थ्योरम 10.2, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी की इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।